हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक नए सेशन में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल वन से आर्टिकल फोर तक में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ डिफाइंड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज़ डिफाइंड एज भारत द इंडिया। पार्लियामेंट हैज़ राइट टू चेंज द बाउंड्री एरिया एंड नेम ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट का बाउंड्री एरिया और उसका नेम बदल सकता है। स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फैजल अली कमेटी का सेटअप किया गया, जिसको बैठाया गया, जो कि 1953 में बैठाया गया था, और इसने अपना रिकमेंडेशन दिया आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पे एक नया स्टेट बनाने के लिए 1953 में, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 1956 में। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नया स्टेट कैसे बनाया जाएगा। आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी स्टेट। सेकेंड हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक में बताया गया है। अब इसमें क्या है हम लोग देख लेते हैं। ये जो इंडिया में जो प्रोविज़न है सिटीजनशिप का, वो सिंगल सिटीजनशिप का है, जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि एक सिटीजनशिप उस कंट्री का होगा और एक सिटीजनशिप उस स्टेट का होगा। लेकिन इंडिया में क्या है, एक ही कंट्री में एक ही सिटीजनशिप होता है, कोई स्टेट का पर्टिकुलर सिटीजनशिप नहीं होता है, तो उसी को सिंगल सिटीजनशिप बोला जाता है। और ये जो सिस्टम है सिंगल सिटीजनशिप का, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। और सिटीजनशिप पे लॉ बनाने का अधिकार किसको है, तो पार्लियामेंट को है। 5 तरीका है जिससे कोई भी इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन ऑफ टेरिटरी, बाय नेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और बाय रजिस्ट्रेशन। और 3 ऐसे तरीके हैं जिससे किसी को डिपार्ट किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप से, वो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। कंस्पायरिंग अगेंस्ट द कंट्री, अगर कोई पाया जाता है अपने कंट्री के खिलाफ कंस्पायर करने में, तो उसको डिपार्ट कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप से। या फिर कोई अगर इंडिया के इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट हो जाता है, तो उसको भी डिपार्ट किया जा सकता है। या फिर कोई वॉलंटरी अगर इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, तो उसे भी ये सिटीजनशिप छोड़ने का अधिकार है। अब हम लोग पार्ट 3 देखते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक में बताया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको US से लिया गया है। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन अभी 6 हैं। तो इसको कब हटाया गया और क्यों हटाया गया, वो हम लोग देख लेते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और इसको कहाँ ऐड कर दिया गया था, तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐड कर दिया गया था। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 300A में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 20 तक में बताया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 में बताया गया है। राइट टू रिलीजन 25 से 28 तक में बताया गया है। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर 29 और 30 आर्टिकल में बताया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको आर्टिकल 32 में बताया गया है। अब सभी आर्टिकल को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ के सामने सभी समान होंगे, कोई भी गरीब हो या फिर अमीर हो, लॉ के सामने सब इक्वल होगा, और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाएगा। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है, किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है, सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 16 के सब क्लोज 4 में रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, अनटचेबिलिटी को कैसे ख़त्म किया जाएगा उसके बारे में आर्टिकल 17 में बताया गया है। आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स दिए गए हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे डिटेल में। आर्टिकल 19(1)A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है, इसी के तहत प्रेस की फ्रीडम को राइट मिलता है, हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है। 19(1)B में क्या बताया गया है, हम लोग कहीं भी असेंबल हो सकते हैं बिना किसी आर्म्स के, इन अ पीसफुल मैनर। 19(1)C में क्या बताया गया है, राइट टू फॉर्म अ यूनियन और एसोसिएशन, हम लोग यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हैं। 19(1)D में क्या बताया गया है,
हम लोग इंडिया में कहीं भी बिना किसी हर्डल के मूव कर सकते हैं। 191E में क्या बताया गया है, हम लोग इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं। 191G में क्या बताया गया है, हम लोग कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन या जॉब चूज कर सकते हैं। इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 आर्टिकल 20 और 21 को एब्सोल्यूट बना दिया गया, यानी इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अब ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट था कि इसको एब्सोल्यूट बना दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20 और 21 में है क्या। तो आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसके तहत तीन लॉ बनाए गए हैं, क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। किसी को भी अपने आप के लिए गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, और किसी को भी एक एक क्राइम के लिए डुअल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, और किसी को भी जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो कंटेम्प्रेरी लॉ के बेसिस पे दिया जाएगा। यानी कि अगर अभी कोई मर्डर करता है तो उसको अभी के लॉ के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर बाद में लॉ बन रहा है और उसके बाद उसको सज़ा मिल रही है उस लॉ के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही बार इलाबोरेट किया गया है। और इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू नाइट शेल्टर, राइट टू गुड हेल्थ, बहुत सारे आर्टिकल ऐड किए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए हैं। नोबडी विल गेट कैपिटल पनिशमेंट विदाउट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। इसके अंदर ये भी प्रोविज़न है कि किसी को अगर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है तो बिना कार्रवाई के कंप्लीट हुए किसी को भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 21A, इसमें क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। इसमें था क्या, तो राइट टू एजुकेशन, और इसमें मेन प्रोविज़न इसका क्या था, तो जो भी चिल्ड्रन है बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 उसको फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। आर्टिकल 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, किसी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा अरेस्ट एंड डिटेंशन के में, तो उसके बारे में आर्टिकल 22 में बताया गया है। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर को कैसे हटाया जाए, ह्यूमन बींग्स को कैसे, ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिकिंग को कैसे हटाया जाए, उसके बारे में आर्टिकल 23 में बताया गया है। आर्टिकल 24 में चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज या और ऐसे भी बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रोविजंस, उसको प्रोहिबिट कैसे किया जाए उसके बारे में आर्टिकल 24 में बताया गया है। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू रिलीजन है, और आर्टिकल 25 में बताया गया है कि कोई भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है और उसको प्रोपेगेट कर सकता है, फैला सकता है। आर्टिकल 26 में क्या बताया गया है, अपने रिलीजियस अफेयर को वो मैनेज कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है, किसी को भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। आर्टिकल 28 में क्या बताया गया है, फ्रीडम एज टू अटेंड अटेंडेंस एट अ रेगुलर इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 में क्या बताया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 30 में क्या बताया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो आर्टिकल 30 में बताया गया है। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है, इसमें था क्या, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिकल 32, इसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और यही फंडामेंटल राइट को पावर देता है। तो आर्टिकल 32 में है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अंडर दिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज़ डिस्कस्ड इफ़ देयर इज़ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट देन SC कैन इशू रिट्स। ठीक है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। रिट क्या है, एक टाइप का ऑर्डर है जिससे हम लोग जो फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है उसको फिर से सही करने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल के सिग्निफिकेंस को हम लोग इसी से समझ सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। अब रिट हम लोग देख लेते हैं। रिट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्डर बाई विच राइट इज़ रिस्टोर्ड। एक टाइप का ऑर्डर है जिससे राइट्स को, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसको रिस्टोर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ
फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे ही रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों के लिए रिट इशू कर सकता है। अब हम लोग रिट टोटल 5 टाइप के हैं, तो वो सभी को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है। तो इसको इशू लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जनरल पब्लिक सभी के खिलाफ किया जा सकता है, और ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड जो हमारा राइट रिट है वो है मैंडमस। मैंडमस जो है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इशू किया जा सकता है ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को परफॉर्म करें। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इन्फीरियर कोर्ट्स के खिलाफ इशू की जाती है ताकि उनको रिस्ट्रेन किया जा सके, रोका जा सके उनके जुडिशियल बाउंड्रीज में। कैटेगरी, कैटेगरी इन्फीरियर कोर्ट्स के खिलाफ ही इशू की जाती है, लेकिन ये उनके वर्डिक्ट को क्वेश करने के लिए इशू की जाती है। यहाँ पे प्रोहिबिशन क्या है, उनको वर्डिक्ट देने से रोकने के लिए इशू की जाती है, और कैटेगरी उनके वर्डिक्ट को क्वेश करने के लिए इशू की जाती है। यहाँ पे टू होगा TO। क्वेवरेंटो, इसका लिटरल मीनिंग होता है किसी की अथॉरिटी को चेक करना, और ये नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इशू की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।